हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ के मीन्स क्लस्टरिंग। सो ये जो है वो एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट है, ठीक है, विच ग्रुप्स द अनलेबल्ड डेटा इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। जो अनलेबल्ड डेटा है उसको डिफरेंट क्लस्टर्स में ग्रुपिंग करने की बात है यहाँ पर। जब मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने की बात। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ कंप्यूटर टू यूज अनलेबल्ड अनक्लासिफाइड डेटा एंड इनेबलिंग द एल्गोरिदम टू ऑपरेट ऑन दैट डेटा विदाउट सुपरविजन। भाई साहब, यहाँ पर किसी भी तरीके से डेटा को लेबलाइज नहीं किया गया, क्लासीफाई नहीं किया गया, और हम एल्गोरिदम को ही बता रहे हैं कि भाई साहब वो उस डेटा के ऊपर आप ऑपरेट करो, हम किसी भी प्रकार का सुपरविजन नहीं करेंगे, आप खुद ही अपने आप से वो करो। द गोल ऑफ क्लस्टरिंग इज टू डिवाइड द पॉपुलेशन और सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स इंटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स सो दैट द डेटा पॉइंट्स विद इन ईच ग्रुप आर मोर कंपेरेबल टू वन अनदर एंड डिफरेंट फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स विद इन द अदर ग्रुप्स। सो मान लीजिए ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, ठीक है। सो अलग अलग ग्रुप में अपने आप ही डेटा को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो हमने जो डेटा है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर अपने आप ही उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो हम एक डिफरेंस नजर आएगा इन दोनों ही डेटा के बिटवीन, इस डेटा और इन सभी डेटा के बिटवीन एक डिफरेंस हमें नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए, इट इज इसेंशियली अ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन हाउ सिमिलर एंड डिफरेंट दे आर फ्रॉम वन अनादर। अब ग्रुपिंग किस आधार से करेंगे कि ये भाई ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर है, और ये जो इसका जो डेटा है और इसका डेटा है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है इन दोनों ही चीजों के अंदर। वी आर गिवन अ डेटा सेट ऑफ आइटम्स विद अ सर्टेन फीचर्स एंड वैल्यूज ऑफ दीज फीचर्स लाइक अ वेक्टर। द टास्क इज टू कैटेगराइज दोज आइटम्स इन टू ग्रुप्स। टू अचीव दिस वी विल यूज द के मीन एल्गोरिदम्स एंड अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। के इज नेम एज द एल्गोरिदम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लस्टर्स वी कैन से दैट वी वॉन्ट टू क्लासीफाई आवर आइटम्स इन फोर, ठीक है। सो के का मतलब है ग्रुप्स, के का मतलब है यहाँ पर जो ग्रुप हो गया या फिर क्लस्टर हो गया, नंबर ऑफ क्लस्टर या ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इट विल हेल्प इफ यू थिंक ऑफ आइटम्स एज पॉइंट्स इन एन एन डाइमेंशनल स्पेस। द एल्गोरिदम विल कैटेगराइज द आइटम्स इनटू के ग्रुप्स और क्लस्टर्स ऑफ सिमिलरिटी। टू कैलकुलेट दैट सिमिलरिटी वी विल यूज द यूक्लिडियन डिस्टेंस एज अ मेजरमेंट। यूक्लिडियन फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज बेसिक मैं बता रहा हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन की होल स्क्वायर, दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस निकालने के लिए, यही तो यूक्लिडियन फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो उसकी मदद से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस। द एल्गोरिदम विल वर्क लाइक दैट। सबसे पहले, वेरी फर्स्ट, वी रैंडमली इनिशियलाइज के पॉइंट्स कॉल्ड मीन्स और क्लस्टर सेंट्रोइड। सबसे पहले हम रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे के पॉइंट्स को, के पॉइंट्स को कॉल्ड मीन या तो मीन्स या फिर जो क्लस्टर है उनके सेंट्रोइड हम इनिशियलाइज कर देंगे। पहले से बोल देंगे कि देख ये एक डेटा इतने इतने दूर है, तो ये एक क्लस्टर है, ये दूसरा क्लस्टर है, ये तीसरा क्लस्टर है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्लस्टर इसे बना देंगे। ठीक, अब दूसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर टू के अंदर हम क्या करेंगे, वी कैटेगराइज ईच आइटम टू इट्स क्लोजेस्ट मीन एंड वी अपडेट द मीन्स कोऑर्डिनेट्स
विच आर द एवरेज ऑफ द आइटम्स कैटेगराइज्ड इन द क्लस्टर सो फार। अब हम क्या करेंगे कि सपोज ये एक पॉइंट आया यहाँ पर, तो ये इससे तो दूर है, इस डेटा से तो दूर है, इसके पास है, इससे भी दूर है, तो हम इस तरीके से उसको कैटेगराइज करेंगे कि भाई साहब ये इससे भी दूर है और इससे भी दूर है, इन दोनों से दूर है लेकिन इसके पास में, तो ये इसके पास में हो गया। अब इसका मीन क्या है, अब इन दोनों से मीन क्या बना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसका मीन था 1 और इस डेटा पॉइंट, ये डेटा पॉइंट है 2, सो अब क्या आ जाएगा, 1 + 2 = 3, 1.5 नया मीन आ जाएगा, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा अब इसका मीन। फिर ओ डेटा है, जिस हिसाब से डेटा आता जाएगा हम उस क्लास में उसको अपडेट करते करते जाएंगे और साथ साथ में उसका जो मीन है वो भी अपडेट करते जाएंगे। वी रिपीट द प्रोसेस फॉर अ गिवन नंबर ऑफ इटरेशन एंड एट द एंड वी हैव आवर क्लस्टर्स। थर्ड स्टेप में इटरेट करते रहेंगे, इटरेशन चलाएंगे, इस प्रोसेस का इटरेशन चलता रहेगा और लास्ट में हमारे पास में वो क्लस्टर होगा। द पॉइंट मेंशन्ड अबव आर कॉल्ड मीन्स, जिन पॉइंट्स को हम ऊपर बात कर रहे थे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं बेसिकली, बिकॉज दे आर मीन वैल्यू ऑफ द आइटम कैटेगराइज्ड इन देम। टू इनिशियलाइज दीज मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास में खूब सारे ऑप्शन हैं लेकिन बाद में अपडेट करना पड़ेगा। एन इंट्यूटिव मेथड इज टू इनिशियलाइज द मीन्स एट रैंडम आइटम इन द डेटा सेट। रैंडमली हम कोई भी उठा लें, ठीक है। अनदर मेथड इज टू इनिशियलाइज द मीन एट रैंडम वैल्यू बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द डेटा सेट। इफ फॉर अ फीचर एक्स द आइटम्स हैव वैल्यू इन इन 0 से लेकर 3 तक है, सो वी विल इनिशियलाइज द मीन विद वैल्यू ऑफ वैल्यू फॉर एक्स एट 0 से लेकर 3, इन्हीं के बीच में हम किसी को भी उठा लें, ठीक है। इनिशियलाइज तो अपन किसी से भी कर सकते हैं यार, बाउंड्री से ही कर लें, इनकी बाउंड्री से कर लें, 0 से कर लें, 3 से कर लें, कि एक तो मीन हो गया 0 वाला, एक 3 हो गया। फिर देखेंगे कि अगला जो डेटा आया वो 1 आया, तो 1 इसके कितना पास है और इससे कितना दूर है। मान लीजिए कि ये आया इसके पास में, तो अगला जो मीन आया वो 1 है, ठीक है, इसके लिए सॉरी इन दोनों का सॉरी 0.5 अगला जो मीन आया। अब अपने पास है मान लीजिए कि एक और डेटा आया 2, तो 2 0 पॉइंट के पास में है या इसके पास में है, तो हमने देखा, हमने पाया कि यार 2 तो इससे तो 1 ही दूर है, इससे यहाँ से देखा जाए तो 1.5 है, तो इसके अंतर इसके उसमें आ जाएगा, जोन में आ जाएगा, तो 2 और 3 2 और 3 का इसका नया मीन क्या हो जाएगा, 5/2 2.5, इसका नया मीन हो जाएगा 2.5। तो इस तरीके से हम इसको अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से वो क्लस्टर्स में डिवाइड होता जाएगा। सो अगर मैं इसी को एक सूडो कोड के रूप में लिखूं तो लिखूंगा, इनिशियलाइज करूंगा सबसे पहले के मीन्स को विद रैंडम वैल्यू, कोई भी रैंडम वैल्यू से मैं नंबर ऑफ जो क्लस्टर्स है उनको इनिशियलाइज कर दूंगा। फॉर अ गिवन नंबर ऑफ इटरेशन, जितने भी नंबर ऑफ इटरेशन मतलब जितनी बार आप ये सब करना चाहते हो, अब हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे थ्रू आइटम्स, जितने हमारे पास में आइटम्स है एक एक आइटम के लिए हम ये इटरेट करेंगे, क्योंकि लिस्ट है हमारे पास में डेटा डेटा सेट की, तो हर एक रो के लिए मैं ये सब इटरेट करूंगा। तो मतलब सीधी सी बात है, मेरे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो लिस्ट के अंदर मैं जाऊंगा, मैं अब मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा उसका मीन, हर बार मेरे को मीन फाइंड करना है, फाइंड द मीन, सॉरी मीन तो मैंने ले लिया, फिर बाद में उसको अपडेट करने वाली बात है, मीन क्लोजेस्ट टू द आइटम बाय कैलकुलेटिंग, मीन निकालना पड़ेगा बाय द कैलकुलेटिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द आइटम, आइटम विद ईच ऑफ द मीन, हर एक मीन के लिए, ठीक है। सो हमें मतलब उस पर्टिकुलर मीन के सबसे पास का वो मीन ढूंढना है,
फिर असाइन करना है आइटम टू अमीन, उसको एक आइटम को उस पर्टिकुलर मीन के साथ में असाइन करना है, अपडेट करना है मीन बाय शिफ्टिंग इट टू द एवरेज ऑफ द आइटम्स इन दैट क्लस्टर। इसी के अंदर में हमें अपडेट करना है मीन को, ठीक है, बाय शिफ्टिंग इट टू द एवरेज ऑफ द आइटम्स इन दैट क्लस्टर, कि उसके अंदर अब कितने नंबर ऑफ आइटम्स आ गए, उस हिसाब से जो नया मीन बन रहा है वो कौन सा। पहले मान लो ये वाला मीन था, अब ये वाला पॉइंट मीन बन गया इसका, तो इस हिसाब से मीन हमें असाइन करना है, ठीक है। सो चलो इसको अपन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में, फिर ज़्यादा समझ में आए। हाँ तो गाइस, इस प्रोग्राम में आप देखिए हमने क्या किया, इंपोर्ट कर ली नंपाई को, मैटप्लॉटलिब से पाइपलॉट को, ये तो ग्राफ बनाने के लिए, एसकेलर्न से डेटा सेट्स को किया, उससे हमने इस पर्टिकुलर डेटा सेट लाइब्रेरी से हमने मैग ब्लॉब्स को इंपोर्ट कर लिया। अब मेग जो वो है, मेग ब्लॉब्स बेसिकली, जो मेग ब्लॉब्स हो गया वो सिंथेटिक डेटा जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है, कि इसकी मदद से हम सिंथेटिक डेटा जनरेट करते हैं क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के लिए। सो हमें सैंपल चाहिए, एन सैंपल चाहिए 500, उसके अंदर फीचर होने चाहिए 2 सेंटर्स, उनके 3 मान लो, और रैंडम स्टेट 23, ठीक है। सो 3 अलग अलग क्लस्टर्स हो गया हमारे पास में, ठीक है, एन फीचर्स के। सो 2 इसके अंदर फीचर है और 3 अलग अलग क्लस्टर हो गए। फिगर करो इस फिगर को प्लॉट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, जितने भी फीचर्स थे, और इनको शो कर दिया आपने, स्कैटर कर दिया 2 अलग अलग पॉइंट्स में, एक्स और वाई वाले पॉइंट्स में। ये कह रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहा है कि 0 मतलब 0 कॉलम के, और ये पर्टिकुलर चीज़ है मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम को, दोनों को दर्शा रहा है, ठीक है। अब के की वैल्यू हमने सेट कर दी 3, जो के था, के क्लस्टर्स की वैल्यू सेट कर दी 3, और एक सेट बना लिया मैंने क्लस्टर नाम का, np डॉट रैंडम से मैंने सीड कर लिया 23 को, ठीक है। अब है मैंने जितने भी नंबर ऑफ ये आपके क्लस्टर्स हैं उनके थ्रू मैं जाऊंगा और सेंटर कर दूंगा मैं 2 × 2 × np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। रैंडमली मैं किसी का सेंटर, किसी को भी रैंडम ले लूंगा, इसमें से किसी एक को एक्स में से सेट करूंगा और उसको रैंडम बना लूंगा, ठीक है, उसको एक सेंटर बना लूंगा, ठीक है, रैंडमली मैं उठाकर किसी को भी पॉइंट, एक लिस्ट बनाऊंगा मैं क्लस्टर के अंदर। मैंने ये कर दिया सेंटर, जो भी मैंने सेंटर लिया उसको और पॉइंट को, जो पॉइंट्स है उसके आगे मैंने पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो मैंने ये डिक्शनरी बना ली मेरी, और फिर क्लस्टर्स के अंदर ये डाला, और जो ये बाहर वाला क्लस्टर है ये सेट, इसके अंदर मैंने ये मतलब इस तरीके से, इसको डिक्शनरी भी बोल देते हैं अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो। अगर मैंने सेट इसको सेट फॉर्म में किया होता तो मेरे को इसमें लिखना पड़ता सेट एक्स, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिक्शनरी होती है। सो मैंने ये पूरा जो क्लस्टर है ये उठाकर इसके अंदर अपेंड करवा दिया, ठीक है, और इस तरीके से मेरा क्लस्टर आ गया। ये मतलब लास्ट में जब भी मैंने प्रिंट करवाया, हर एक के लिए अलग अलग क्लस्टर्स आ गए और हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट्स आ गए, मैंने वो पॉइंट्स उसके अंदर अपेंड करवा दिए, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स अपेंड करवा दिए, और ये सब मैंने सेंटर के अंदर सेंटर अपेंड करवा दिया, ठीक है। तो ये मेरे अलग अलग 3 क्लस्टर्स आ गए, जिसका सेंटर ये है, ये उसका सेंटर है, पॉइंट्स उसके अंदर नहीं आए क्योंकि पॉइंट्स मैंने अपेंड ही नहीं करवाए, पॉइंट्स मेरे को अपेंड करवाने थे लेकिन मैंने अपेंड नहीं करवाया, इसलिए कोई पॉइंट्स नहीं आया, लेकिन इसका सेंटर आ गया, एक रैंडम सेंटर आ गया, ठीक है। और अब मैंने प्लॉट किया इसको, और जितने भी क्लस्टर्स हैं उन सभी क्लस्टर्स के सेंटर्स की मदद से मैंने उनको प्लॉट कर दिया अलग अलग तरीके से। तो ये इनके सेंटर्स के ये पॉइंट्स हैं, रैंडमली मैंने पॉइंट्स लिए हैं और उस हिसाब से मैंने उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब डिफाइन किया मैंने डिस्टेंस, सो वो तो यूक्लिड फॉर्मूला है, एक यूक्लिड फॉर्मूला डिफाइन किया मैंने,
इम्प्लीमेंट किया ई स्टेप्स के अंदर, असाइन किए क्लस्टर्स को एक्स, और क्लस्टर्स को एक फंक्शन है जो कि उसी मतलब शेप के थ्रू जा रहा है। इसके अंदर हम डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस की एक लिस्ट है, फिर बाद में हम जो करंट एक्स है उसके अंदर ये डालकर और हर एक क्लस्टर्स के थ्रू मैं जाऊंगा और उसके अंदर अपेंड कराऊंगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, अपडेट करूंगा क्लस्टर को इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू मैंने अपडेट कर दिया, इस फंक्शन के थ्रू मैंने प्रेडिक्ट किया एक क्लस्टर। ठीक है, और मैंने असाइन और अपडेट और प्रेडिक्ट क्लस्टर मैंने दोनों इस तरीके से क्लस्टर्स के अंदर प्रेडिक्ट किया, और फिर मैंने उसको जो प्रेडिक्टेड क्लस्टर है उसको मैंने प्लॉट करवा दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये उसकी अपडेटेड सेंटर्स है, ये अपडेटेड सेंटर्स है, और ये उससे एसोसिएटेड क्लस्टर्स है। ठीक है, ये उससे एसोसिएटेड क्लस्टर्स हो गया। सो आई होप आपको ये समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।